और वो कांग्रेस में ही रहेंगे। ये बड़ी बातें सचिन पायलट की तरफ से कह दी गई है। आलाकमान के सामने कई मुद्दे रखे हैं और पार्टी हित में ये मुद्दे उठाने जरूरी भी थे, लड़ाई पद की नहीं आत्मसम्मान के लिए थी। ये बड़ी बातें सचिन पायलट की तरफ से कही गई। हमारे कुछ साथी विधायक दिल्ली में आए हुए थे और हम लोगों के एडीपी नीचे कर ले दोस्त, संगठन के कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको हम रेखांकित करना चाहते थे और मैंने जो इशू उठाया था, चाहे वो देशद्रोह का मुकदमा एसओजी वाला हो या हमें काम करने का जो तरीका था उसमें जो आपत्तियां थी, उन सबके बारे में हमने बताया। और मैंने शुरू से इस बात को कहा कि जो मुद्दे हैं वो सैद्धांतिक हैं और मुझे लगता था कि पार्टी के हित में उन बातों को उठाना बहुत जरूरी था। अपनी बात हम लोगों ने रखी। इस पूरे प्रकरण के दौरान बहुत सी बातें कही गई, चलाई गई और बहुत कुछ मुझे भी सुनने को मिला। व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी बातें बोली गई जो मैं समझता हूँ मुझे भी आश्चर्य उन बातों पर हुआ, लेकिन मुझे लगा कि संयम और विनम्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत दुर्भावना की कोई जगह नहीं है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर 5 साल तक मेहनत कर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और उस सरकार में हम सब भागीदार हैं। लेकिन जब मुझे लगा कि इन बातों में जहां पर मुझे आपत्तियां थी या जहां पर मुझे लगा कि अपनी बात रखना बहुत जरूरी है, कांग्रेस के समक्ष मैंने उस बात को रखा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने विस्तार से आज चर्चा करी और हमारे जो साथी विधायक हैं उन सबकी बातों को, उन सबके कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है और मुझे आश्वासित भी किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात का कि ये 3 सदस्य कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, सैद्धांतिक मुद्दे थे, गवर्नेंस के इश्यूज से जो मैं चाहता था एड्रेस हों ताकि पार्टी और सरकार उन वादों पर खरा उतर सके जिन वादों को कर हम सत्ता में आए थे। और पार्टी पद देती है, पार्टी पद दे भी सकती है, मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। राजनीति में आज 18-20 साल से मैंने जो योगदान दिया है व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रति, पार्टी भी बात को जानती है और हमने हमेशा कोशिश करी है कि जिन लोगों ने मेहनत कर इस सरकार का निर्माण किया है उन लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा जी ने आज जो कमेटी का गठन किया है और ये बात भी जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा कि समयबद्ध तरीके से इन सब बातों को सुनकर इसका अच्छा निराकरण किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये एक स्वागत योग्य कदम है, इसके लिए मैं कांग्रेस अध्यक्ष का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब हम चुनाव जीतकर आए थे उस समय हमने ये देने के लिए कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उस समय अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया और मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी गई। उस समय हमें लगातार काम किया और मुझे लगा कि इन 1.5 साल में जो मेरा अनुभव रहा वो मैं कांग्रेस तक, कांग्रेस का आलाकमान तक लेकर जाऊं और मैंने सारी बातें कही हैं वो आज मैं इस प्रेस या मीडिया के माध्यम से बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो सारी बातें मैंने बताई हैं। तो मुझे लगता है कि समस्या का समाधान होगा क्योंकि जो सरकार ने और पार्टी ने वादे किए निभाने बहुत जरूरी है। और मैंने कभी भी बीजेपी का सुन लीजिए, हमने कभी भी इस प्रकार की भावना या भाषा या आचरण का उपयोग नहीं किया जो हमारे योग्य नहीं है। और मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि हम लोगों ने हमेशा एक दूसरे का सम्मान भी किया है, लेकिन पार्टी और सरकार के जो हित में था उसको हमने रखा है। और जितना भी लोग कुछ भी कहें ये बात सच है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के न सिर्फ सिंबल पर जीत कर आए लेकिन कांग्रेस पार्टी का काम कर हम सत्ता में आए थे और आज हमारी जवाबदेही बनती है कि हम कैसे उन वादों को पूरा करें। इसलिए मेरा आज ये जो आज हम लोगों ने अपनी बात रखी, सभी विधायकों ने रखी, हम सब मिलकर यहाँ पर आए थे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी विधायकों का कि इन्होंने बड़े एक खुले माहौल में बेबाकी से अपनी बात को रखा, उसका संज्ञान भी पार्टी ने लिया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रियंका जी का जिन्होंने समय निकाल कर आज हम सबसे बात करी, अलग अलग सब बातों को सुना और मुझे लगता है कि बहुत जल्द। वहीं पायलट कैंप के एमएलए भंवरलाल शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा